मोदी सरकार के राज में गोमांस का अधिक निर्यात हुआ है और वह भी गुजरात से हुआ है। यह प्रधानमंत्री देश के गरीब और किसानों को सुनने की बजाय अडानी और अंबानी की बात करते हैं। यह आरोप प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने सनावत कृषि उपज मंडी में किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित करने के दौरान मंच से संबोधित करते हुए कही। श्री यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई तक पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएं खोली जाएं। यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं के इस काम में अगर रुकावट आएगी तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बिजली की कमी किसी भी खेत में नहीं आने दी जाएगी। यादव ने विद्युत मंडल के अधिकारियों से कहा कि मोटर चालू होने के बाद ट्रिप नहीं होनी चाहिए। अगर किसान के खेत में मोटर चालू होने के दौरान बिजली की रुकावट हुई तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि नर्मदा का पानी हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि हर खेत में बिजली तथा पानी की लेकर कमी नहीं होगी। इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। किसानों को राहत पहुंचाने का काम भी कांग्रेस सरकार भी कर रही है। वहीं 1991 में पटवा की सरकार ने भी ऋण माफी का वचन दिया था, लेकिन वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारा 30 वर्षों से इन अन्नदाताओं किसान साथियों से रिश्ता है। कांग्रेस को जब भी मौका मिला है वह उनके साथ और अन्नदाता की बात की है। इसके पूर्व विधायक सचिन बिरला, पूर्व सांसद ताराचंद पटेल, कुलदीप सिंह भाटिया एवं जगदीश मोरन्या ने भी संबोधित किया। श्री यादव ने यहाँ 26 सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। इससे पूर्व यादव नगर पालिका की प्रस्तावित 3,19,00,000 की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरे सिंह बड़ोल, जनपद अध्यक्ष आनंद राम लोनकर, उपाध्यक्ष घासी जी पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मंजूषा शर्मा, आरती पाटिल, रवि यादव सहित जिला पंचायत सदस्य, सरपंच एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वागत भाषण नरेंद्र पटेल, संचालन मोहन मलगया ने एवं आभार लाली शर्मा ने व्यक्त किया। जितना भी खा आए थे यहाँ मंत्री वाला, सोसाइटी वाला, तहसील वाला, ब्लॉक वाला, जनपद वाला, सब मेरी बात सुन रहे हैं। देखो साहब, अमन ने नारा दिया था वक्त बदलाव का है, तो बदलाव के साथ तुम भी जुड़ जाओ। और जो नहीं जुड़ेगा उसको बहुत तकलीफ आगे आने वाली है, मैं स्पष्ट बोल के जा रहा हूँ। बिजली की कोई कमी आप नहीं रहेगी, ये बात अलग है। हमारे डी साहब में बैठे हैं, इस समय जो बिजली का है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जब मोटर चालू तो ट्रिप नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। अगर मोटर ट्रिप भी तुम तो ट्रिप कर जाऊंगा।